भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग मनाने के लिए तैयार हैं। जहां इस त्योहार में रिश्तों की मिठास को और अधिक बढ़ाने के लिए शहर के साउथ टुकोगंज स्थित भवरीलाल मिठाई वाला की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार मास्क लगाए दूरी के साथ देखी जा रही थी। वैसे तो खान पान के शौकीन लोगों के इंदौर शहर में मिठाइयों की दुकान की कमी नहीं है, लेकिन इंदौर के साउथ टुकोगंज महू और किशनगंज भवरीलाल मिठाई वाला की अपनी एक अलग पहचान है। भवरीलाल मिठाई वाला के प्रमुख यश सैनी ने वंदे भारत को बताया कि उनकी दुकान में कोविड-19 गाइडलाइन का जिला प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक पूर्णतः पालन किया जा रहा है। लोग इस बार वैक्सीनेटेड है, इसलिए कोरोना का डर कम ही देखा जा रहा है। वहीं बीते वर्षों की तुलना में इस बार रक्षाबंधन त्योहार को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह है। यसैनी ने कहा कि उनके यहाँ इस बार ड्राई फ्रूट और मावे की मिठाइयाँ लोगों द्वारा ज्यादा पसंद की जा रही है। वहीं बेसन से बनी मिठाइयाँ भी लोग बड़े चाह से खरीद रहे हैं। सैनी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए तो अच्छा है, लोग स्वस्थ रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, ऐसी उनकी शहरवासियों से अपील भी है। भवरीलाल मिठाई वाला के यहाँ 500 रुपए किलो से लगाकर 2000 रुपए किलो तक की कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ उपलब्ध है। इस बार का त्यौहार पिछले बार के मुकाबले बहुत बेहतर है। इस बार जैसे कि लोग वैक्सीनेटेड हैं, लोगों में डर कम है और कल ही इंदौर में 0 केस आए हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक, तो इस बार बहुत उत्साह, इस बार बहुत अच्छा है, पिछली बार से बहुत बढ़िया है। इस बार क्या रहेंगे सर, किस तरह की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद की जाएगी? सर जैसे कि हम राखी पे मावे की बंगाली मिठाइयाँ नहीं रख पाते हैं, दूध नहीं मिल पाता है इतना, मावा खुद ही बनाते हैं। हमारे यहाँ घी की और ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ बहुत पसंद की जा रही हैं लोगों द्वारा, अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ दूध की मिठाइयाँ और मावे की मिठाइयाँ राखी पे नहीं मिल पाती है, हमारे यहाँ पे बंगाली मिठाइयाँ भी नहीं मिल पाती हैं, हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की और घी की मिठाइयाँ मिल जाती हैं। इस बार उसका उठाव भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया पसंद की जा रही है। सर कोरोना से दूसरी लहर से तो क्या कहेंगे, अभी मिठाइयों को लेकर ग्राहक क्या देख रहे हैं, डर बना हुआ है क्या? सर जैसा कि पता है कि खाने से कोविड का कोई लेना देना नहीं है, पैकेजिंग मटेरियल से फिर हो सकता है, खाने से कोई प्रूवन नहीं है कोरोना फैलता है, बट मिठाइयों को लेकर हमारा कहीं ना कहीं हमारे सेफ्टी मेजर्स इतने ज़्यादा हैं, हमारे बाहर फूड सैनिटाइजेशन मशीनें हैं, यहाँ पे हम प्रोसीजर बहुत सारा फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गेस्ट का कस्टमर का विश्वास है हमारे इसमें कि हमें कोई टेंशन फेस नहीं करना पड़ा, ना कस्टमर हिजक रहा है, खुले मन से आ रहा है मिठाई लेना। सर तकरीबन हमारे पास में 150 तरह की मिठाइयाँ हैं, पर राखी के त्यौहार पर मिठाइयाँ थोड़ी की लिमिट क्वान्टिटी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है और वैरायटी भी नहीं मिल पाती, जैसे कि मावे की और बंगाली मिठाइयाँ नहीं रख पाते हैं। ना ही आए तो अच्छा है, लोग बाग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और दूरी बनाए रखें, स्वस्थ। जी सर, सर कोविड गाइडलाइन का जैसे हमारे यहाँ एक बार में स्टोर में लिमिटेड ही गेस्ट एंटर होते हैं, रही बात उसकी, उसके बाद मास्क ज़रूरी है, मास्क के बाद हमारे यहाँ पे सब डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं एक हद तक के, और हमारे यहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन वो सब रह पाए, नहीं हो पाए। सर मिठाइयों की शुरुआत 500 रुपये किलो से स्टार्ट होती है, फिर 1100 से 2000 रुपये किलो तक की जाती है। सर प्रतिशत तो ऐसा कुछ अभी निकाल नहीं पाए, पिछली बार कोविड से ही उठ पाए हैं तो इतना कोई समय ही नहीं मिल पाया इतने अच्छे रिस्पांस को देखते हुए, बट हाँ बेसन की मिठाइयों का अच्छा मतलब समझिए 50% के आसपास है। बिल्कुल आगे हमें बताया गया, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सब जाके सूचित करा गया।